दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ है। पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के आसनसोल निकाय के उपचुनाव में भिड़े हैं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता, एक दूसरे पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थानीय निकाय उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का एक गुट आपस में भिड़ गया। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। आसनसोल नगर पालिका उपचुनाव सुबह से ही शुरू हो गया था मतदान। मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और बंदोबस्त कड़े थे, लेकिन फिर भी ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला। मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। बताते चलें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बताया जाता है कि टीएमसी के पक्ष में वोटिंग हो रही थी, जिससे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी सी छा गई और वह टीएमसी पर वोटों की धांधली का आरोप लगाने लगे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। दोस्तों आपको बताते चलें कि बीजेपी विधायक लक्ष्मण धोरई ने कहा कि हम वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला कर दिया। टीएमसी बेईमानी कर रही है और धांधली के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीएमसी जीत रही थी, उसके पक्ष में मतदान हो रहा था, जो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को नागवारा गुजरी बात, और इसके चलते उन्होंने यहां पर हंगामा किया। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के आसनसोल निकाय के उपचुनाव को लेकर ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही थी। खबर को लेकर अपनी राय दोस्तों जरूर बताइए, आपकी राय बहुत ही महत्व रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।